आज इस वीडियो में देखेंगे कि सात्विक डाइट खाते हुए भी हमें प्रोटीन कैसे मिलता है। सबसे पहले तो सुबह उठ के डिटॉक्स ड्रिंक हमने पिया, जो कि एबीसी जूस था। फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया मैंगो स्मूदी बोल, तो उसके लिए मैंने 4 फ्रोजन बनाना ले लिए, जिसमें होता है लगभग 5.14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और लिया है मैंने 2 बड़े साइज़ के मीठे वाले मैंगो। 2 बड़े साइज़ के मैंगो में 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। हम में से कईयों को लगता है कि फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है क्या, फल में तो प्रोटीन नहीं होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फल में भी प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो स्मूदी में मैंने 4 बनाना लिया, 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए और 1 कप ऑफ कोकोनट मिल्क लिया। 1 कप ऑफ कोकोनट मिल्क में लगभग 5.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया सारी चीज़ को और आइसक्रीम जैसा टेक्सचर बन गया। देखने में भी आइसक्रीम जैसा और खाने में भी आइसक्रीम जैसा, बहुत ही यम्मी बनता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं डालूँगी अब 100 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड सीड्स। इसमें पम्पकिन सीड है और सनफ्लावर सीड है, जिसको मैंने रोस्ट करके रखा था। अब इसके ऊपर मैं स्मूदी के ऊपर मैं डाल दूँगी। तो 100 ग्राम्स ऑफ पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड में लगभग 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। बस हमें मिल गया 44.64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसी ब्रेकफास्ट स्मूदीज में। तो जिनको लगता है कि प्लांट बेस्ड खाने में प्रोटीन कहाँ है, तो आप लोगों को दिखा क्या प्रोटीन। फिर लंच के लिए मैंने बनाया मीलेट वाला खिचड़ी। मीलेट वाली खिचड़ी में मैंने डाला ढेर सारी सब्जियाँ, जैसे 200 ग्राम्स जैसा ग्रीन बीन्स डाल दिए, 2 कैरेट डाल दिए, 2 पोटैटो डाल दिए, फिर 3 टोमेटो डाले हैं और 1 होल कोकोनट डाले हैं और 1 कप मिलेट डाले हैं। तो लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स का मिला के तो इसमें ही आ जाता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि सही अमाउंट है, सही क्वांटिटी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट में आते हैं और उसमें कम कम खाना खाते हैं और बोलते हैं कि अरे हम तो दुबले पड़ रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं मिलता है और डिफिशियंसी हो रहा है। देखिए, अब अगर होल फूड प्लांट बेस्ड में आएंगे तो उसमें तो नेचुरली कैलोरीज कम ही होती है, तो उसमें भी अगर आप कम ही खाना खाएंगे, खाने में कंजूसी करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही, आपको दुबला तो आप महसूस करेंगे ही। लेकिन आप अगर अच्छे क्वांटिटी में खाना खाएंगे और ग्रेटफुल होकर भक्ति के साथ खाना खाएंगे, मज़ा लेके खाना खाएंगे, तो आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। और अंदर से तो आप अच्छा फील करेंगे ही, बाहर से भी आपको फर्क दिखेगा। लंच के बाद तो मन मीठा खाने को करता है, तो थोड़ा जब मीठा खाने का मन करता है मैं ये खाती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिंटोला का आमंड बटर, जिसमें होता है 5 ग्राम प्रोटीन। और लिया है मैंने कुछ डेट्स, तो डेट्स को मैं छीलती हूँ, फिर बीज निकालती हूँ उसका और उसको मैं आमंड बटर में डुबो के खा जाती हूँ। ये बहुत ही एक टेस्टी और बहुत ही इजी स्नैक्स ऑप्शन है और ये बिल्कुल मार्केट में जो चॉकलेट मिलता है ना, स्नीकर्स, तो उसके जैसा टेस्ट करता है। बस चॉकलेट में डुबो दे तो क्या बात है। फिर डिनर के लिए मैंने बनाया एक चना चाट, जिसके लिए 200 ग्राम्स ऑफ चना लिया है और 2 बड़े क्यूकम्बर को काट लिया है और 3 बड़े साइज़ के टोमेटो को काट लिया है और इसमें ही हमें मिल जाता है 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो बस हो गया ना प्रोटीन का कमी पूरी, पूरे दिन में हमें मिल गया 121 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो सात्विक डाइट में प्रोटीन कैसे नहीं मिलता।